The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. बहुत सिंपल सी चीज़ है। How would you know, कैसे पता करें कि आपको कोविड हो गया है? डे वन बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से डिसाइड होता है 9 दिन कोरोना कब तक चलेगा, 10 दिन अपना 14 दिन क्वारंटाइन कब तक रहना है, स्टीरॉयड चालू करना है नहीं करना है, आपका खतरा ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, सबसे सीरियस 5th डे कौन सा है सेकेंड वेव में। तो इसके लिए डे वन पता करना बहुत ज़रूरी है। सो डे वन के लिए सिम्टम्स को मॉनिटर करना है, मतलब पहला इज लो ग्रेड फीवर हो सकता है आपको, वो भी डे वन पे माना जाएगा। 46 से 82% लोगों को पहला सिम्टम आएगा खांसी, ड्राई थ्रोट या ड्राई कफ। 10 से 50% लोगों को कोई और सिम्टम नहीं, सिर्फ फटीग होगा, मसल पेन, बॉडी पेन, माइल्जिया। कई लोगों को नोज कोरोना होता है, नोज कोरोना मींस उनका लॉस ऑफ स्मेल होगा। कई लोगों को थ्रोट कोरोना होता है, यानी उनका लॉस ऑफ टेस्ट होगा, यानी आपको जैगरी यानी कि गुड़ का टेस्ट नहीं आएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है 3 से 31% लोगों को डे वन पे, डायरेक्ट लंग कोरोना हो रहा हो, और अगर हैप्पी हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तब भी इसको कोरोना मानेंगे, और लो हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ हो रही है यानी हाथ का ताकत कम हो रही है तब भी कोरोना मानेंगे, या फिर 6 मिनट वॉक टेस्ट। ये सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं, 6 मिनट वॉक टेस्ट इज अ मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो एनी सिम्टम, इनमें से कोई भी सिम्टम आपको आता है विथ क्लोज कॉन्टैक्ट, अगर आपकी क्लोज कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है तो उसे हम कोरोना मानेंगे। अगर आपका एनी वन सिम्टम कोई आ जाए या फिर सिम्टम टेस्ट का आ जाए, स्मेल का आ जाए, पार्शियली या टोटल या लेफ्ट रेड आई आ जाए, प्लस अगर आपको कोई भी एक लक्षण हो, फीवर हो, सोर थ्रोट हो, लूज मोशन हो, या कोई भी हेडेक, नौजिया, वॉमिटिंग, रैश हो, कहीं भी एनोरेक्सिया अल्टर्ड, ऐसा कोई भी सिम्टम हो तो उसे हम डे वन मानेंगे। राइट, डे वन इज दैट, जब पेशेंट हमारे पास आएगा या डे वन बोलता है तो क्या करना है आपको, आपको रिव्यू करना है उसकी कोमॉर्बिडिटीज़। कोमॉर्बिडिटीज़ मतलब पेशेंट को शुगर, बीपी, थायराइड, पुरानी हार्ट की बीमारी, ऐसी क्या बीमारी है जो उसको सीरियस कर सकती है, उनका हार्ट रेट, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, उनका ऑक्सीजन लेवल आपको चेक करना है। ऑक्सीजन लेवल अगर उनका 94 से नीचे है और या फिर वो सांस फूल रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, तो अपने आप में निमोनिया शुरू हो गया है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस समय आप उनका सीटी स्कैन या चेस्ट एक्सरे करा सकते हो। अगर ऑक्सीजन लेवल कम नहीं हुआ तो डे वन पे सीटी स्कैन चेस्ट एक्सरे का वैल्यू नहीं है। राइट, डे थ्री, डे फोर, डे फाइव पे है। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि कहाँ कब क्या करना है। आइसोलेट करना सबसे पहला है और ट्रीटमेंट शुरू करना दूसरा। थर्ड स्टेप है आपका टेस्टिंग, टेस्टिंग बाद में है। सो माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर कोरोना कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, याद रखिए सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर कोरोना का डिफरेंशिएशन आपके पास में आता है आपके सिम्टम्स में। सो अगर आपके सिम्टम्स आपको, अगर ऑक्सीजन लेवल आपका 90 से नीचे जा रहा है, रेस्पिरेटरी रेट 30 से ऊपर जा रहा है, फीवर आपका सांस फूलने के साथ हो रहा है, निमोनिया हो गया है, या सीटी स्कैन में स्कोर आपका 15 से ऊपर है, तो ये सिवियर कोरोना है। सो दैट्स व्हाट इट इज़। ओके, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर पीपल सो दैट पीपल नो, ताकि आपको पता चले रिस्क में कौन कौन है। रिस्क में वैसे लोग हैं जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है, जिनको पहले कोई शुगर है, बीपी है, शुगर में भी अगर उनका HbA1c 9 से ज़्यादा है, रैंडम शुगर 300 से ज़्यादा है, किसी को कोई किडनी डिजीज़ है, एक्टिव कैंसर है, किसी को बहुत ज़्यादा मोटे हैं, मतलब मॉर्बिड ओबेसिटी, BMI 40 से ज़्यादा हो, कोई लिवर डिजीज़ है, अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक, इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी ले रहे हैं, ऑलरेडी स्टीरोइड्स पे हैं ऐसे लोग, या फिर कई लोग जिनको कोई और कोमॉर्बिड, रेस्पिरेटरी, COPD, ब्रोंकियल अस्थमा, ILD, हार्ट फेलियर, ऐसे बीमारियां हैं, CVA, ब्रेन स्ट्रोक, ऐसा कुछ है, तो वो लोग थोड़े से ज़्यादा रिस्क में जाते हैं, वो लोग अगर सीरियस हो गए तो उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
So let's make sure we share these videos with everybody so that people are more informed and they take more informed decisions. Thank you so much.